ए बाजी देख कैसे कपड़े पहन के जा रही है, तू कहाँ जा रही है, है? और ऐसे बन ठन के कहाँ जा रही है तू? फिर से शुरू हो गई बुआ जी, आज तो प्लीज मेरा मूड खराब करना मत, रियली बता रही हूँ। आज तो मुझे फुल छूट मिली हुई है, इन्होंने मुझे फुल छूट दी है। ए बाजी नो कह रही है, खुली छूट है। परमिशन कौन ने दी है? परमिशन नहीं, परमिशन, कुछ नहीं पता इन्हें। बाजी बहू कह रही है वो सिखाएगी तो अब मैं तो सीखूंगी। हमें दुनिया देख ली, जमाना देख लो, आई बड़ी। ऑब्वियसली बुआ, जब तुम्हें कुछ आएगा नहीं तो हमें तो सिखाना ही पड़ेगा ना। जी हमने अमन ने सफेद वाला ऐसे ना करे, बता रही हूँ मैं तो बहुत बढ़िया जानकारी है, मैं बता रही हूँ मैं। तुम्हें ये नहीं बता तू जो कैसे कटे फटे कपड़े पहन रही है जी, कपड़ा है कौन कैसे पहन रही है कपड़ा है, कौन दिन का नाम बना है जितने कपड़ा जो पहन रही है तेने, कैसे कपड़े पहन गए बुआ? क्लब जा रही हूँ मैं और क्लब में ऐसी वेस्टर्न ड्रेसेस पहने जाती है, और वैसे भी मुझे ये ड्रेस इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। हमें तो आप सुनी है कहा होते हो जी, कल्ब कल्ब है, देख बता मोए। पहले तो आप बोलना सीख लो, इसको कल्ब नहीं कहते, क्लब कहते हैं, ठीक है? इंदे सब जानते तू, हाँ जी कहते हैं वो कहते हैं, मैं मतलब सिखाया कर तू, बता रही हूँ तुम्हें। अरे बुआ तुम नहीं जानती है क्लब वगैरह के बारे में, आजकल का ये फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि फ्रेंड्स जो होती है ना मिलकर अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टीज करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी, अरे बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं दोस्तों के साथ में। आई बड़ी ते तो रोज अनोखी जगह सुनने को मिलते हैं, कल्ब फल्ब जा रही है। ए जी बोल, कल्ब है ना जहाँ दारू पीते हैं, अब बीड़ी पीते हैं, अब हक्का हक्का फूकते हैं, ऐसे ऐसे फूकते हैं, वही तो कह रही है, वही तो बता रही है तू। बुआ आपने सुना है? मैंने खूब सुना है जाकर बारे में, हाँ कल्ब सुनी है मैंने। आपने क्या देखा, आपने चार दीवारी के अलावा कुछ देखा है दुनिया में है? या तो आप सीधा मंदिर चली जाती हो, या घर आ जाती हो, या रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादा बात, अरे डरा क्यों रही बुआ? तो नहीं रही है, हमें ना पता कहाँ होते हो वहाँ पे, हम तो कछु जानते ना, हमने ऐसी सफेद बाल कर कर दिए हैं, आई बड़ी ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। हाँ रिंदे हमें पता है, हाँ फूकन ने हमें बताया रखी है, वहाँ पता है दारू पीते हैं और बीड़ी पीते हैं और हुक्का ऐसे हुक्का फूकते हैं, चले काका करते हैं, रिंदे ऐसी जगह मत जाया कर तू, बता रही हूँ। हाँ ओ माय गुडनेस, आपको ये नॉलेज किसने दी कि वहाँ पर दारू पी जाती है और ये सिगरेट पी जाती है और नशा किया जाता है? बुआ जी ऐसे क्लब नहीं होते, कुछ क्लब फैमिली वाले होते हैं, फैमिली क्लब्स होते हैं, और वहाँ पे फाउंडेशन होती है, इस तरह के काम नहीं होते हैं, ये तुम्हें नहीं पता। बाजी सहेली सब पीट खाते हैं और का बुआ, हम दोस्तों में से कोई ड्रिंक नहीं करता वहाँ पर, ना हम कोई गलत काम करते हैं, हम वहाँ पर जाके सिर्फ सेलिब्रेशन करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, लाइक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, बस। ये तो मेरे इनको भी पता है, ये भी जानते हैं, तभी तो मुझे परमिशन देती है। भाई आम जगह छोड़ा है, ज्यादा परमिशन दे रखी है, जाने जाने मैं बताऊंगी, जहाँ मर्जी भेज देते हैं, और कल जाएगी कि कहाँ जाएगी, आम जगह मैं बता दू। तो बुआ अब मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं जा रही है तू, लेट हो जाऊंगी हर बार की तरह, और ज्यादा सवाल जवाब करने तो आप अपने बेटे से कर लेना, ठीक है? उन्हें सारी नॉलेज है, जानकारी है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बुआ। बाजी बहू ना बता देना, कछु ढंग से जवाब ना दे तो मुझे डर कभी गुस्सा आता है, छोड़ा तो पूछ लो तो कुछ बता दे, बताए जा मोए, कहाँ जा रही है, कब आएगी, लाभ पता बना घूमते रहते बोलते रहते। अरे अब क्या हो गया बुआ, आप तो जाने दो मुझे, रुको रुको मैं ये बता जी, कहाँ पहन रखो तुम, कट फिट हो, कैसे कपड़ा पहन रखे तेने, सारे फट रहे हैं जी, कट रहे हैं ना नीचे तक, क्या हो गया, क्या हुआ कपड़े में, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो पूरे कपड़े पहने हुए मैंने, कहीं से कटे वो, कहीं से ये शॉर्ट्स नहीं है, कहीं से मेरा पेट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे है, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इन कपड़ों में। चल चल ठीक है, मत बता मैं ना सुन रही, तो मैं आंदर थोड़ा तो बात करूंगी, हाँ तू जा। क्या करूँ, देखो क्लब जाना आजकल का कॉमन फैशन हो चुका है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप फैमिली क्लब में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी क्लब में इनकी बेटी चली जाए ना तो बड़ी शान से खुश होकर बताएंगे, लेकिन वहीं पर अगर बहू चली जाए ना तो इनको इनके पेट में मतलब दर्द होने लग जाता है, समझ में नहीं आता ये दोहरी नीति, दोहरे रूल रेगुलेशन हम बहू के लिए ही क्यों है, बहू की इतनी बुरी आदत है ना, फुसफुसाते रहते हैं और खाना ना खाइए, बुरी आदत रहते हैं, जाने का बड़बड़ाते रहते हैं, जाकर बहुत बुरी आदत लगता है जी। अरे बुआ मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं कह रही, हाँ मैं कोई बात नहीं कह रही, मन में कुछ नहीं बोल रही, मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ओके बुआ बाय बाय, टाटा। ए टाटा बाय बाय, जा। ए बाजी कैसी बहू है रही है आजकल की, है बड़े बूढ़े को है कैसे पहनते हैं, कहाँ जा रही है, कोई मतलब ना है आजकल, हम बड़े बूढ़े को तो कुछ जमाना ना रहेगा, है कैसे जमाना बदल गया भैया, क्या करें, कहाँ होएगा इन बच्चन को बालक को, क्यों भाग लेती हूँ, वरना मैं तो और सवालों की बौछार कर डालेंगी, यहाँ रुकूंगी तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी, बड़बड़ाती रहेंगी, इनकी तो आदत है बड़बड़ाने की, और जब तक इनको बड़बड़ा ना लेना, इनको चैन नहीं पड़ेगा, इनकी रोटी तो हजम थोड़ी ना होगी, मैं तो निकल लेती हूँ।